लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड के साथ हरियाणा भी शामिल है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। हरियाणा को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने भी अहम बैठक की थी, वहीं अब सूबे में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने भी नया प्लान तैयार कर लिया है। हरियाणा में कटेंगे कई विधायकों के टिकट, सूबे में बीजेपी गिराएगी मौजूदा एक तिहाई विधायकों पर गाज, एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए बीजेपी चलेगी लोकसभा चुनाव जैसी चाल। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, वहीं अब 2019 के आम चुनाव जीतने के बाद अब पार्टी की नज़र एक बार फिर सूबे की सत्ता पर है, जिसे लेकर पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि इस बार बीजेपी सत्ता विरोधी लहर थामने के लिए कम से कम एक तिहाई विधायकों की टिकट पर गाज गिराएगी। सूत्रों के मुताबिक गैर जाटव बिरादरी को अपने पक्ष में रखने के लिए नेतृत्व टिकट वितरण में पिछली बार की तरह इस बार भी जाट बिरादरी को थोक के भाव टिकट नहीं देगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी 90 में से जिन 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल नहीं कर पाई, उनमें ज्यादातर जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, इसलिए पार्टी ने जाट बिरादरी के विधायकों का टिकट काटने का मन बनाया है। वहीं बताया जा रहा है कि पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल अगले महीने के अंतिम हफ्ते तक तैयार कर लेगी। आपको बता दें कि 2004 और 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सूबे में कब्जा किया था, मगर 2014 में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि राज्य से पार्टी का सफाया हो गया। वहीं अब आगामी चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने कमर कस ली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।